भेद। व्हाट इज वर्ब? डेफिनेशन क्या होगी वर्ब की? वर्ब, वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अमित इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग इसमें वर्ब है। अमित वॉज स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग। अमित विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग इसमें वर्ब है। अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब एक वर्ड की भी हो सकती है और एक वर्ड से ज्यादा वर्ड की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, राइट्स इसमें एक वर्ड है वर्ब। ही इज राइटिंग ए लेटर, इज राइटिंग दो वर्ड की वर्ब हो गई इस सेंटेंस में। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैज बीन राइटिंग इसमें तीन वर्ड की वर्ब है। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, चार वर्ड की इसमें वर्ब है विल हैव बीन राइटिंग। ओके, एक वर्ड की भी हो सकती है और एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स की भी वर्ब हो सकती है किसी भी सेंटेंस में। टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स, टू टाइप्स होते हैं वर्ब के, क्रिया दो प्रकार की। नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी जिस क्रिया में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी कर्म की आवश्यकता हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वे ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो, बिना कर्म के। अ वर्ब दैट नीड नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉक्स, द चाइल्ड वॉक्स, चाइल्ड हमारा इसमें सब्जेक्ट है, वॉक्स हमारी इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसीलिए ये हमारी वर्ब कौन सी होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस ऑन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें से हम छांटेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कौन से और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। फर्स्ट है, शी एडवाइज मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में हमारी कौन सी वर्ब है, छांटेंगे इसमें, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। रीजन क्या होगा इसमें, हियर द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, मी, एंड हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव, इसीलिए यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट्स इनवाइट योर कजन एज वेल, कौन सी है ये, ट्रांजिटिव। व्हाई? रीजन है, हियर द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट कजन्स, एंड हेंस इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। I waited for an hour. कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव। रीजन, हियर द वर्ब डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हैंस इट इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग, ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाई? रीजन इसमें, हियर द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें लेटर है, एंड हैंस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स, कौन सी वर्ब है इसमें, ट्रांजिटिव। व्हाई? रीजन है, हियर द वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एंड फ्लावर्स, एंड हैंस इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड, कौन सी वर्ब है इसमें, इनट्रांजिटिव वर्ब। रीजन, हियर द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, एंड हैंस इट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, सडनली द चाइल्ड वॉक अप, सडनली द चाइल्ड वॉक अप, कौन सी, इनट्रांजिटिव। रीजन, हेयर द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, हैंस इट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है,
द लाउड नॉइस वॉक मी, कौन सी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव। रीजन हेयर द वर्ब वॉक, वर्ब इसमें वॉक है एंड ऑब्जेक्ट इसमें मी है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स डिस्कस योर प्लान्स, ट्रांजिटिव वर्ब। हेयर द वर्ब डिस्कस हैज एन ऑब्जेक्ट प्लान्स एंड हेंस इट इज ट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा प्लान्स है। नेक्स्ट है आई हियर ए लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ट्रांजिटिव वर्ब। रीजन हियर द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा एंड हेंस इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की, वर्ब का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा वीडियो की हेल्प से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।